चिकू वी आर रेडी। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice. Chico, we are ready. I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. इंडिया में हर बंदा जो भी मतलब कैसी भी बात करे अपन हाँ, तो क्रिकेट तो खेलता क्रिकेट ही खेलता तो है। हर कोई खेलता है और यार हम लोग भी सोचते हैं कि अपार्ट फ्रॉम व्लॉग कभी कहीं जाके क्रिकेट खेले, पर ऐसा होता था कि जगह नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो फिर हमको जैसे गलियों में डांट पड़ती है कि भैया क्रिकेट नहीं खेलना। और हाँ, साथ अगर मिल भी जाती थी तो वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता क्योंकि हम लोग हैं इंदौरी चटोरे। अब जैसे कहीं गए क्रिकेट खेल लिया, भूख लग गई, थक गए, तो यार ऐसी कोई जगह नहीं थी। हाँ। और ऐसी जगह ढूंढ निकाली फिर इंदौरी चटोरों ने आपके लिए और हमारे खुद के लिए भी। तो अभी हम खड़े हैं क्लब 19 जो कि इंदौर का सबसे बड़ा टर्फ है, और यहाँ पर आपको मिलता है बैठ के खाने की व्यवस्था भी, मतलब पूरा एक कैफेटेरिया बना हुआ है। आप वहाँ पर जो ऑर्डर करें पिज़्ज़ा सैंडविच सब आपको मिलेगा। तो लोकेशन आपको बता देते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर भैया क्रिकेट खेलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बिना स्किप करे देखना क्रिकेट लवर स्पेशली। हाँ। प्यार गाइस, ये है क्लब 19 टर्फ एंड कैफे, आप अंदर देख सकते हो। और मैं एड्रेस अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जब आप मूसाखेड़ी से अपना वर्ल्ड कप स्क्वायर जाते हो, जो अपनी सर्विस रोड है, तो सर्विस रोड में जो रिंग रोड है नियर हंस ट्रेवल्स PSP 2 स्कीम नंबर 94, तो यार अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर स्पेशल क्या मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर बहुत अच्छी तरीके से अपन क्रिकेट खेल सकते हैं। और एक चीज़ और है, इतना सा नहीं है, ये उस साइड भी एक्सटेंडेड है, मतलब सबसे बड़ा टर्फ है इंदौर में अभी तक के मामले में। ये तो रही बात एड्रेस की, और एक चीज़ आप पूछोगे यार ये टाइमिंग मतलब कितने बजे तक चालू रहता है, ये तो ये 1 बजे से, दोपहर को 1 बजे से रात को 3 बजे तक चालू रहता है। तो आपको मतलब रात को कभी आना है अपने दोस्तों के साथ खेलने तो वो चीज़ भी परफेक्ट रहेगी। If it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. तो यहाँ पर हम जैसे ही एंटर हुए हमको कुछ रूल्स दिखे। सबसे पहला तो भैया कोई भी ईटेबल या फिर ड्रिंक्स अलाउड नहीं है टर्फ के अंदर, सो जो कि बहुत अच्छी बात है। और फुटबॉल लवर्स के लिए भैया फुटबॉल स्पाइक्स और स्टड्स आर नॉट अलाउड, मतलब आप नॉर्मल में ही फुटबॉल खेल सकते हो नॉर्मल शूज़ में। और बाकी तो यार ठीक है, वो तो हर जगह रहता है कि भैया क्लब इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स। और ये जो हम अंदर की बात कर रहा था जो कि है, अच्छा एक चीज़ और है कि ये चीज़ जो है बीच का जो सेपरेशन है इसको अपन खोल के पूरा टर्फ बना सकते हैं, तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। तो मिक्कू पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्या यार? बहुत ऐसा लग रहा है जाके बस क्रिकेट खेल लूँ, और खाने पीने का तो बाद में देखेंगे, पहले क्रिकेट खेलने की इच्छा हो रही है अब। Waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I
wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. So finally हमारी first dish है cheese samosa बना के. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. सबसे पहले डिश यहाँ पर जो थोड़ा सा क्रिकेट खेल लिया था उसके मतलब आप शॉर्ट्स देखे ही होंगे, उसके बाद मेरे को भूख लग रही है, मिला है सबसे पहले खाते हैं बेक समोसा जो कि बहुत टाइम से नहीं खाया था. और दूसरी चीज़ ये है ग्रिल्ड बेक समोसा, ग्रिल्ड चीज़ बेक समोसा. और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये चीज़ लगी, प्याज तो डालते ही अपन बेक समोसे में, इसके अंदर ककड़ी भी डाली है. अब मैं टेस्ट करके देखता हूँ. थोड़ा सा चीज़ मैंने साइड कर दिया क्योंकि मुझे इतना चीज़ नहीं पसंद. तब तक तुम एंजॉय करो, तब तक आप लोग यार देखो यार मतलब क्या तो टर्फ है, मजा आ जाता है क्रिकेट खेल के. बताओ बेक समोसे मैं सबसे पहला बाइट लेते से ही मुझे क्रंचीनेस लगी, और वो क्रंचीनेस की वजह से मेरे को जो दिल को सेटिस्फेक्शन मिलती है ना वो मिल गई यार. और अंदर आलू का मसाला एकदम फ्रेश लग रहा है क्योंकि हमारे जस्ट सामने ही आए थे समोसे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है. और अगर इंदौरी नेटवर्क के स्केल पे अपन इसको रेट करना चाहें तो दिस गोज अराउंड 3.5 या 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि बेक समोसा ये नॉर्मल बेक समोसा है, थोड़ा सा इसको ग्रिल करा गया है. ये चीज़ मुझे इंदौर में पहली बार थी. Jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Stockholm lights, the Stockholm lights.
was a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. तो यार ये है हमारी दूसरी डिश, क्या नाम है मेरे को इसका? इसका नाम है भैया चीज कॉर्न गार्लिक ब्रेड। क्या बात है, दिख रहे हैं बहुत टेम्पटिंग दिख रही है, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। बिल्कुल तो यार ये है चीज कॉर्न गार्लिक ब्रेड। क्या बात है, और टेस्ट करके देखते हैं कैसी है यार। अच्छा, साथ में दो डिप्स दिए, एक सॉस की और एक मायोनीज की है। तो भैया मायोनीज के साथ ही डिप, मायोनीज वेज वाला? हाँ। क्या बात है, मतलब मेन्यू में कुछ भी नॉन वेजिटेरियन तो है ही नहीं। हाँ। जो भी है वेज में है और प्राइसेस एकदम रिजनेबल है। टेस्ट करते हैं। क्या बात है, कैसा लग रहा है बिल्कुल यार। खाते बना ना चीज कुल बहुत अच्छा बना था। अच्छा, अपनी जो इसमें गार्लिक ब्रेड है, हाँ। इसमें कॉर्न का बहुत अच्छा टेस्ट है, ओरिगेनो चिली फ्लेक्स का बहुत अच्छा टेस्ट है। कॉर्न अलग से दिख ही रहा है इसके। बिल्कुल यार, चीज बहुत अच्छा डाला गया है, तो एकदम मतलब चरखा भी टेस्ट नहीं है और एकदम फीका टेस्ट भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो चीज कॉर्न मेयोनीज और अपने ओरिगेनो चिली फ्लेक्स है, एक बैलेंस टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा आपको पिज्जा सा टेस्ट आ ही जाएगा इसमें। अच्छा, और बहुत अच्छा टेस्ट है। एक बार सॉस के साथ भी कर ही लेता हूँ। अच्छा लग रहा है इंदौर। अच्छा, और ये गार्निशिंग भी दिखाओ यार। गार्निशिंग के लिए एकदम हेल्दी चीज़ है भैया, टमाटर और बिल्कुल ककड़ी। बिल्कुल अगर इंदौरी चटनी के स्केल पे इसकी रेटिंग की बात करें अपन, तो दिस गोज 4 out of 5। तो यार भैया, अभी जैसा कि देख लिया था, खाई गार्लिक ब्रेड और खेल लिया क्रिकेट, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अब क्या भैया, अब है सागर भैया अपने साथ, जिनकी वजह से अपन ने यहाँ पर क्रिकेट खेला और इतना अच्छी अच्छी चीज़ें खाई है। तो सागर भैया बताओ, क्या है क्लब 19 की स्टोरी? क्लब 19 एक ये जगह है जहाँ हम सब पहले फ्रेंड्स इंदौर में कहीं क्रिकेट खेलने, गली क्रिकेट खेलने जाते थे, तो गिरते थे, लग जाती थी, सब होता था। तो फिर माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि यार कुछ ऐसा बनाए जिसके लिए इंडोर गेम्स रहे लोगों के लिए, जिसमें नीचे हमने प्रोफाइल वगैरह लगा रखी है, जिससे मतलब लोग गिरेंगे भी तो उनको लगती नहीं है। एक स्पोर्ट्स इवेंट अपन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन एक साथ 25 से 30 लोग खेल सकते हैं। जैसा कि भैया ने पहले बताया होगा कि मेरे वहाँ फुल टर्फ की फैसिलिटी भी है। बिल्कुल, जो 12,000 स्क्वायर फीट पूरा हो जाता है, जिसमें आप 10 प्लेयर असाइड आराम से खेल सकते हैं। अच्छा, और इंदौर में ऐसा कोई टर्फ नहीं था जहाँ आपको कैफे की फैसिलिटी में मिल जाओ और इतना नहीं, कहीं पे भी नहीं था। मतलब हम कहीं पे भी जाते थे तो लाइक हमको जोमेटो या स्विगी वगैरह से ऑर्डर करना पड़ता था। इस कारण से वो माइंड में कॉन्सेप्ट लाया कि यार कैफे अपना खुद का होना चाहिए। बिल्कुल है, और कैफे का जो मेन्यू इतना बड़ा है वो भी आप ही लोगों ने डिजाइन किया? सब हमारा, सब। और मतलब ये आइडिया कैसे आया था कि यार अपने को एक बनाना चाहिए, और मतलब कि यार इंदौर की जनता को मतलब कुछ इंडोर गेम मिलने की जगह नहीं मिल रही थी पूरे इंदौर में। कहीं पे प्रॉपर मतलब जगह थी बट प्रॉपर कहीं पे भी नहीं मिलती थी। तो इंदौर में सबसे बड़ा टर्फ हम लेके आए, क्लब 19 टर्फ एंड कैफे, और जो कि 12,000 स्क्वायर फीट है, 45 फीट की हाइट है और पूरा एयर कूल्ड है। और कितने टाइम से है इसको भैया? अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ हो गए हैं अभी। और भैया एक बात बता दूं, अगर यहाँ क्रिकेट खेलने आना पहले बुकिंग करना पड़ती है। आपको फ़ोन करके, सागर भैया को फ़ोन करो, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ़ोन करो और आओ क्रिकेट खेलने। दोस्तों के साथ आओ, 15-20 लोगों की टीम आए, मज़ा आएगा। और भैया बस अब यहाँ पे अब लग रहा है आप लोग को यहाँ वीडियो ख़त्म होगा, पर अब हम यहाँ पे फिर से क्रिकेट खेलेंगे। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. Guys, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि ये चीज खुल के पूरा एक टर्फ बन सकता है, तो जैसे कि बहुत ज्यादा लोग हुए थे तो भैया ने ये चीज खोल दी है। और यार मतलब किस बात की रेडी है यार। I'm falling.
morning, the cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright, there'll be my treasure. यार ये है यहाँ का थर्ड आइटम जो है वर्जिन ब्लैक मोहितो। आपने वर्जिन मोहितो तो बहुत पी होगी जो कि बनती है नॉर्मली स्प्राइट से। और अब अगर इसकी बात करें तो ये इंग्रेडिएंट एकदम सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसके बारे में बता नहीं सकता मैं, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। वाह बहुत सही, एकदम सेम टेस्ट है एज़ कम्पेयर टू वर्जिन मोहितो, बट इसका कलर ब्लैक है बस। और एकदम रिफ्रेशिंग फील आ रहा है इसको पी के, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें खाली थी तो उसके बाद रिफ्रेशिंग फील तो आना बहुत ज़रूरी है। और क्रिकेट भी बहुत खेल लिया था भैया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खेल रहे हैं। और अगर इसको इंदौरी शटोरी की स्केल पर अपन रेट करना चाहें तो दिस गोज 4.5 out of 5, ये चीज़ रिकमेंडेड है कि आप ट्राई कर सकते हो। तो यार मेरे हाथ में आ गया है चीज़ चटनी सैंडविच, जो कि यहाँ का एक आखिरी आइटम है, बहुत ज़्यादा हो गया है। पर चीज़ चटनी भैया बोले सागर भैया कि चीज़ चटनी ट्राई कर लो, तो चलो कर लेते हैं कैसा है। चीज़ चटनी जहाँ भी खाया है वहाँ पर ऊपर चीज़ डाल के कोई नहीं देता एक्सेप्ट CCH। अंदर मतलब ये ऐसा पहला चीज़ चटनी सैंडविच होगा जिसके अंदर बहुत ऐसा चीज़ बर्स्ट बोल सकता हूँ मैं उसको हुआ है खा के। अंदर बहुत सारा चीज़ है, थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। अब इसमें तो मैं खा गया इसलिए दिख नहीं रहा है, बाकी चटनी बहुत अच्छी है यार, चटनी बहुत अच्छी। ऐसा नहीं है कि बस लगा के दे दिया, अच्छे से लगाया है ताकि आपको लगे कि कुछ अच्छा खा रहे हो। इंदौरी चटोरे के स्केल पर अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो इट्स 4 out of 5। अच्छा बिल्कुल यार। और चीज़ कैसा लग रहा है एक्चुअल में? बहुत अच्छा है, फ्रेश है, मस्त टेस्ट है। तो यार हमारे अलावा भी यहाँ पर जैसे इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं क्रिकेट, तो उनमें से एक अभी हमें मिले अभिमन्यु भैया। तो आप बताएं कि ये मतलब आपका इस टर्फ का एक्सपीरियंस कैसा है और आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं सर? ओके हाय, मैं अभिमन्यु हूँ एंड आई एम अ मेंबर ऑफ इंदौर राउंड टेबल 242। वी हैव बीन कमिंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टर्फ है ये सिटी का, सबसे बड़ा है, स्पेशियस है, एयर कंट्रोल वगैरह सिस्टम इन्होंने बहुत बढ़िया एक अपना ही अलग लगाया हुआ है जिससे बहुत कंफर्टेबल गेम प्ले होता है। प्लस देयर फूड इज़ अमेजिंग, हमारी इनकी सर्विस भी जो हमारी टेबलर्स के लिए रहती है वो बहुत बढ़िया रहती है। देयर स्पेशलिटीज़ सैंडविचेस विद चीज़ एंड वेग समोसाज, देयर इज द वेरी गुड कोल्ड कॉफ़ी इज ऑन द टॉप, वेरी नाइस। सो इट्स अ गुड प्लेस टू प्ले, वन ऑफ द बेस्ट टर्फ्स अगेन एज आई सेड, एंड वी रियली लव हियर कमिंग हियर। ओके सर, थैंक यू सो मच। Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna take it all. मैं आपको टर्फ के चार्जेस बता देता हूँ एक बार, अगर आपको ये पूरा चाहिए जैसे कि ये लोग पूरा लेके खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये है 2800 एक घंटे के लिए। अच्छा और एक चीज और, मेंबर्स कितने भी हो सकते, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। और अगर आपको छोटा वाला चाहिए तो डेट इज 1400, मतलब 1400 रुपए एक घंटे का। और अगर आपको बड़ा वाला चाहिए तो दैट इज 1600। हाँ मतलब वो जो बीच में पार्टीशन होके हाँ, हो जाता है, तो उसमें 1400 1600 है। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और प्राइजेस आपको बता ही दिए हैं, बस यार आना बनता है, बहुत सही जगह है। और यार हमको जाने की इच्छा नहीं कर रही है यहाँ से, सही बताऊँ तो, क्योंकि वी आर क्रिकेट लवर्स। बिल्कुल। तो यार गाइस ये था वीडियो क्लब 19 टर्फ एंड कैफे का। तो भैया यहाँ पे आप क्रिकेट प्रेमी हो या फुटबॉल प्रेमी हो, आ जाओ बस, बहुत अच्छा अरीना बना हुआ है। अरे एक तरफ बैट बहुत सारे रखे हुए हैं ताकि बैट के लिए भी मारा मारी ना करना पड़े। इस बैट से कुछ याद आई तुमको, मैथ्यू हेडन मोंगूज बैट?
अच्छा ऐसा था क्या भैया, मेरे को नहीं मालूम। तो भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मज़ा आ गया ब्लॉग शूट करके, टेस्ट बहुत अच्छा है। खाने की एवरेज पूरी रेटिंग बताएं तो 4 out of 5। टर्फ की रेटिंग 5 out of 5, क्योंकि जिस तरीके से एयर कंडीशन की बात करी थी अभिमन्यु सर ने, बिल्कुल भैया अच्छी तरीके से एयर प्यूरीफाई होती है और आपको सफोकेशन नहीं होता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैक्सिमम टर्फ जो है वहाँ पर सफोकेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल यार, बहुत अच्छा ओपन एरिया है, रिंग रोड पर बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, लोकेशन बहुत अच्छी है। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, क्योंकि अब जाके क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। गयाना कितना खाओगे? खत्म तो करूँ ना, कोई जरूरत नहीं, सब चीज खत्म कर देंगे। चिकू भैया मलिंगा डालते हुए आ जाओ। Tomorrow feels a year away.